राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभिन्न धर्मों के महंत, मौलाना, फादर और गुरुओं को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाली मेडिकल जांचों में बिना किसी धार्मिक आधार पर सहयोग करने का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने मरकज से लौटे व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे डरे नहीं, स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन और पुलिस का सहयोग जरूर करें। देश में लगभग 171 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल मिश्र कोरोना से बचाव के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों पर निरंतर निगरानी रखे हुए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर वार्ता की और प्रदेश के हालातों पर जानकारी भी ली। वहीं राज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है तो उनकी मदद जरूर करें। उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवरों को चारा और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था के लिए भी लोग आगे आए। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। विभिन्न धर्मों के महंत हैं, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इन सारे लोगों से अपील है मेरी कि जो भी हैं जिन्होंने अभी अपने को इस दृष्टि से परीक्षण नहीं कराया है, स्वयं आगे आकर थोड़ा भी लक्षण अगर दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से परीक्षण कराएं। विशेष रूप से तबलीगी जमात की तरफ से जो जगह जगह लोग गए हैं, मस्जिदों में अभी बने हुए हैं, मैं जरूर अपील करूंगा कि स्वयं आगे आकर अपने को बताएं कि हम यहां गए ताकि संबंधों का पता लगे, जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। और चूंकि कोरोना से प्रभावित काफी ठीक भी हो रहे हैं, ये एक तरह से जो आतंक बना हुआ है, आतंक से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक हो गए लेकिन अपने को प्रस्तुत करें जांच कराने की दृष्टि से। दूसरा, जगह जगह जो इस समय कठिनाई दिख रही है, परेशानी दिख रही है, वो गरीब लोगों की दिख रही है। उनके खाने पीने की व्यवस्था यद्यपि शासकीय स्तर पर भी और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी किया जा रहा है, तो भी मैं पुनः अपील करूंगा कि आसपास कोई भूखा न रहने पाए, इसके लिए जहां सिविल सोसाइटीज जाकर उनको भोजन आदि व्यवस्था कर रही हैं, वहीं आसपास के बने हुए लोग भी ये तय करें कि हमारे बगल में कोई भूखा न सोए, उसकी व्यवस्था करने की दृष्टि से वो स्वयं